I forgive me more those who are in need than to take all love I miss on you. If you surely have yourself to everyone who's around you, on the day of judgment Allah will surprise you. दोस्तों, आज का हमारा सफर हजरत कल्लू बाबा सरकार मानसर शरीफ का है। मानसर गांव अटक के एक तहसील हजरों में आता है। हजरत कल्लू बाबा की हिस्ट्री के बारे में तो कुछ ज्यादा मुझे मालूम नहीं, बस इतना पता है कि उनका असल नाम बाबा मोहम्मद रुस्तम था और वो 1947 में कश्मीर से हिजरत करके मानसर तशरीफ लाए और फिर यहीं पर सकूनत इख्तियार की और लोगों को दीन की तरफ रागब किया। मैं जा रहा हूं कल्लू बाबा के मज़ार पर अपने गांव से, तो मेरे गांव से फासला 22 किलोमीटर बनता है, जबकि कामरा शहर से इसका फासला। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हजरत कल्लू बाबा सरकार रहमतुल्लाह अलैह दरगाह शरीफ। तो ये उनका एंट्रेंस गेट है, यहां से अब हम अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। वैसे आज तीसरा दिन है उसका, लेकिन यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, लेकिन बाकी जिस तरह बड़े मज़ारों पर जो रश होती है ना, वो यहाँ पर इतनी बड़ी रश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ तैमूर खान और आप देख रहे हैं टूरिस्ट भाई का चैनल। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सही कल्लू बाबे के मज़ार पर। यहाँ पर उर्स लगा हुआ था, तीसरा दिन है उसका, जुमातुल मुबारक है आज। तो आज हम उर्स पर आए हैं यहाँ पर सही कल्लू बाबा पर, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है मज़ार। तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर से भी आपको व्यू करवाते हैं। तो यहाँ पर नेज़ाबाजी भी होती है, तो वो हम यहाँ विज़िट करके नमाज़ पढ़ के फिर चलते हैं नेज़ाबाजी की साइड पे और वहाँ पर देखते हैं नेज़ाबाजी किस तरह होती है। इससे पहले मैंने कभी भी नेज़ाबाजी का कोई मैच या कोई इस तरह कुछ भी नहीं देखा। आज मैं पहली दफ़ा नेज़ाबाजी किसी को करते हुए देखूँगा। तो चले मज़ार के अंदर चलते। तो इस वक्त जुम्मे की नमाज़ का टाइम हो चुका है, हम मज़ार के अंदर गए हैं। तो वहाँ पर नमाज का टाइम है और लोग बैठे हुए हैं, खिताब सुन रहे थे मौलवी साहब का। तो वहाँ पर पानी ख़त्म है, हम वज़ू नहीं बना पा रहे, तो इस वजह से हम यहाँ पर मज़ार के बाहर एक और हमें मस्जिद नज़र आई है दूर, उसके मीनार। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ अगर वज़ू की जगह है, पानी है, तो वहाँ वज़ू करके वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। तो मज़ार ये पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये मज़ार पर तो इन्होंने इतना ज़्यादा ख़र्चा कर दिया, तो पानी के ऊपर इन्होंने क्यों ख़र्चा नहीं किया, ये बात इनकी बहुत गलत है। लोग अभी नमाज़ कुछ लोग पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो ये बहुत बैड न्यूज़ है। ये वो सामने जो दो लड़के घोड़ों पर जा रहे हैं, ये अभी नेज़ाबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने घोड़ों को वॉकिंग करा रहे हैं ताकि वो भाग सके। ये है मानसर गांव का छोटा सा बाज़ार। तो अभी हम वहाँ उस सामने वाली मस्जिद में गए थे नमाज अदा करने, तो अभी वापस हम चलते हैं वहाँ मज़ार वाली साइड पर। तो नहीं हुए, तो वो सामने आपको रश नज़र आ रही है कि अभी मज़ार वाली साइड पर हम जा रहे हैं। सबर एक मिनट। तो ये है वो मज़ार का सारा बाज़ार, जो के उर्स वाले दिन ही जहाँ उर्स में जो 3 दिन होते हैं ना, उन 3 दिनों के लिए ये मस्नूई बाज़ार लगाया जाता है। ये है वो सारा बाज़ार। लंगर वाला आता है यहाँ पर, ये देखे भी सारे लोग बैठ चुके हैं, लंगर स्टार्ट होने लगा है। तो हमारा प्रोग्राम आज नहीं बन रहा लंगर खाने को, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम ज़ाया होगा हमारा। वो सामने एयरवाई न्यूज़ की गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर एयरवाई न्यूज़ वाले भी आए हुए हैं। और वहाँ गाँव में नमाज अदा करने के बाद अभी हम दोबारा आए यहाँ पर मज़ार के अहाते में। तो अभी रश बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लोग यहाँ से निकल के चले गए हैं सारे, क्योंकि यहाँ नमाज हो रही थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रश थी। तो अभी हम विज़िट कर सकते हैं। On the day of judgment, Allah will surprise you.
If you show good tidings, play hard, five times a day. Show love to everyone around, baby. Yeah. If you learn and teach others, deal on the day of judgment, I'm sure there will be a place for people like you. If you please, I'm learning every moment of your time. And every single day of your life, there is there's a place for people like you. Oh, full of love. There's a place for people like you. Oh, full of happiness. There's a place for people like you. Finally, हम नेजाबाजी जहाँ जिस ग्राउंड में हो रही है, ये इन दरख्तों के पीछे नेजाबाजी हो रही है, अभी हम इस ग्राउंड के पास पहुँच चुके हैं, अभी अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर ये इश्तहार लगा हुआ है, मुकाबला नेजाबाजी इस्लामाबाद। तो 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद में भी नेजाबाजी हो रही है। तो जो जो मेरा दोस्त इस्लामाबाद से मेरी वीडियोस देख रहा है, तो वो नेजाबाजी में ज़रूर शिरकत करे। ओ चाइना वाले जो वीडियो बनाने मछली पकड़ने वो बड़ा ज़बरदस्त है यार। ये सब पानी है, पीने नहीं। चल पी। पर साफ नहीं है। पर वहाँ होना है वो पीने ना होना है ना, वो पिया नहीं। वाइट जो घोड़ा है ये बहुत जबरदस्त है। ये सारा घोड़ों का सामान यहाँ पे मिल रहा है। ये देखे घोड़ों के बेल्ट और ये सारा कुछ घोड़ों का है। तो ये सामने भी मैदान में आ चुके हैं हम। सेम कलर नहीं जाते करने एक ही पार्टी ने। आज से पहले मुझे नेजाबाजी के बारे में कोई मालूमात ना थी, आज ही सब कुछ पता चला। नेजाबाजी की एक टीम में चार खिलाड़ी होते हैं। चारों ने इकट्ठा भाग के अपनी स्टिक से जमीन में गाड़ी हुई लकड़ी को उठाना होता है। एक लकड़ी उठाने से 4 पॉइंट्स मिलते हैं और अगर चारों उठा लें तो 16 पॉइंट्स हासिल होते हैं। अगर कोई खिलाड़ी लकड़ी उठाने के बाद नेजा गिरा देता है तो उसे 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए 8 पॉइंट्स हासिल करना ज़रूरी होता है और जीतने वाली टीम को बाहरी के चारों खिलाड़ियों ने देखे अपना वो उठा लिया। इसको क्या बोलते हैं, मुझे तो इनका पता भी नहीं है ना कुछ। मैं पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पर देखने, तो नहीं तो कुछ टीमें ऐसी जा रही थी जिन्होंने एक भी नहीं उठाया था। अभी दोबारा दूसरी टीम आ रही है। एक ही नहीं चाहिए, बाकी चाहे दो नहीं चाहे। इस टीम के 2 नहीं उठा सका वो लकड़ी, बाकी 2 लड़कों ने उठा ली। सिर्फ एक ही जाए। 4 नंबर वाले घोड़े ने यहाँ से उखाड़ लिया है, बाकी 3 फेल हो गए हैं इस दौड़ में। जिला सवाबी शाबाश, कोई करी कोई करी। सवाबी 14 करके पास हो गई है, 14 नंबर करके अगले मुकाबले पहुंच गए। केपीके की मेहमान टीम सवाबी की टीम 14 नंबर लेकर अगले मुकाबले में पहुंच चुकी है। क्या बात है, 14 पास मार के तू छोड़ गई, स्टेक ही छोड़ गई। क्या बात है खान उमर खान जो से सही काम अच्छी लग रही है। मैं
मजबूरी पे करना है। नंबर 12 पास बारह नंबर सैयद हमदौल शेख तो अभी हम लेज़रबाजी देख कर आ चुके हैं वापस, अभी चल रहे हैं उधर बाजार वाली साइड पर, वहाँ पर हमारा रक्षक खड़ा है तो वहाँ बैठ कर चलते हैं। तो लेज़रबाजी देखने में हमें बहुत मज़ा आया। सबसे अच्छी मुझे ये बात लगी, एक घोड़े का नाम जब उसने बोला कि इस घोड़े का नाम परिजाद है, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि परिजाद ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो मैंने देखा हुआ था। तो यहाँ पर एक घोड़े का नाम भी परिजाद था। तो अभी बहुत सी टीमें यहाँ पर, बहुत ज़्यादा टीमें हैं, टेक्सला से, खारिया से, नारोवाल से, रावलपिंडी से, स्वामी से, मर्दान से, शावा से, बहुत सी टीमें यहाँ पर आई हुई हैं और काफ़ी बाहर हो चुकी थी और काफ़ी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। तो वो कमेंट्री वाला कह रहा था कि मगरिब के टाइम यहाँ पर हम इनामात डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो मगरिब के टाइम तक तो हम नहीं रुक सकते, लिहाजा हम चल रहे हैं वापस। तो आप यहीं तक देखें, नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास किसी दिन टाइम हुआ तो आपको इनामात की भी वीडियोस बना के दिखाऊंगा, लेकिन मुश्किल है कि मेरे पास टाइम होगा क्योंकि टाइम थोड़ा होता है मेरे पास। हमारा रक्षा आ चुका है और अभी हम चलते हैं वापस। ये मसेर हमें छोड़ के चले गए थे,